अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग कराची से मिशिगन। तो मौसम एक दफ़ा फिर से अच्छा हो गया है और यही चीज़ मैंने आपसे आखिरी बार लास्ट टाइम मई में कही थी जब मैं अपना व्लॉग आखिरी बनाया था, और एक साल हो गया है और नहीं बनाया और कोई रेगुलर नहीं रह पाई मैं। बहुत सारी चीज़ें हुई उसमें, मैं जॉब पे बिजी हो गई थी, जॉब मेरी हो गई थी और पाकिस्तान मैंने ट्रैवल किया उसके बीच में, और एक दो और चीज़ें हुई, कुछ पर्सनल चीज़ें थी, तो उसके साथ साथ ब्लॉग नहीं बन पाया और मुझे बहुत हर वक्त बैड फील होता था उसके बारे में, क्योंकि ये ब्लॉग सिर्फ आपके लिए नहीं, मैं अपने लिए भी बनाती हूँ क्योंकि मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है, मैं खुद इससे बहुत सीखती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिलती हैं और ऑब्वियसली मुझे शेयर करना अच्छा लगता है कि मैं यहाँ जो जो कुछ कर रही हूँ वो सबको दिखाऊँ और सबके साथ शेयर करूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, जब मैं व्लॉग नहीं भी बना पा रही थी तब भी मैं सारी चीज़ों की वीडियोस बनाती रहती थी और अपना कंटेंट जमा करती रहती थी कि जब भी मैं इसमें वापस आ सकूंगी तो मैं अपनी सारी चीज़ें मेरे पास हों कि साल भर मैंने क्या किया और क्या चीज़ें थी जो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकी। तो खैर, हम उन सब चीज़ों का रीकैप आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, स्लोली स्लोली उस सब चीज़ को दोबारा से स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने आपसे लास्ट व्लॉग शेयर किया जिसमें मैंने आपको दिखाया कि मोस्ट रिसेंट से शुरू करते हैं कि जो है वो रमज़ान और ईद कैसी गुजरी यहाँ पे, और मैंने आपको दिखाया कि मस्जिद में कैसा लगा और ईदगाह गए कितना अच्छा लगा। और उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट मंथ मैं और मेरी फैमिली उमरा के लिए गई थी, और हम जब उमरा पे गए तो हम बिल्कुल सारी वैसी तैयारियां की थी जब कोविड की रिस्ट्रिक्शंस थी, और हम लोग बहुत परेशान थे कि अच्छा अब क्या होगा, और वहाँ पे हमें ऐप्स डाउनलोड करनी थी और बहुत सारी चीज़ें करनी थी जो पहले से हमारे दिमाग में नहीं थी, क्योंकि कोविड में उमरा और कोविड के बाद उमरा एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। तो हम जब फ्लाइट से एक हफ्ते पहले वो सारी रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो गई, सिर्फ ऐप्स की रह गई थी, लेकिन टेस्ट की, कोविड टेस्ट की और वो सारी तरह की मुश्किलात जो थी वो ख़त्म हो गई, तो मैंने उन सारे व्लॉग्स को कवर किया जितना मैं कर सकी और मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो उनमें जो कुछ डिटेल्स होंगी आपको दिखाऊँगी, उमरा का एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली दुनिया के सारे तजुर्बे, सारी एक्सपीरियंसेस, सारी खुशी, सब चीज़ एक तरफ होती है और वहाँ जाने का एक्सपीरियंस एक बिल्कुल अलग चीज़ होती है। तो और वो आपको जब होती है, जब आप वहाँ जाते हैं तब आपको उसका एहसास होता है, और मुझे तो ये महसूस हुआ कि जाके जब आ जाते हैं वापस तब और ज़्यादा एहसास होता है। वहाँ पे भी आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा होता कि आप कहाँ पे हैं, और जब आप उधर से आ जाते हैं तो आपको होता है कि कहाँ थे, अब आ गए वहाँ से तो हम क्या छोड़ के आए हैं। तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब लोग देखें उसे, और अगर उसमें कोई किसी को हेल्प हो सके किसी चीज़ में, किसी प्रोसेस में, तो वो सबको हेल्प हो। और दूसरा ये कि जब मैंने जाने से पहले व्लॉग्स वगैरह देखने शुरू किए थे उमरा के, तो उससे एक वो बहुत पैदा होती है, लाइक मोटिवेशन बहुत पैदा होती है कि अच्छा हम भी जाएं, हाँ हिम्मत कर सकते हैं, हो जाएगा, अच्छा चीज़ें शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे होता है, तो एक आप वो बिल्डअप में आ जाते हैं ना उसके। तो मैं वो शेयर करूँगी अब आपके साथ, हम मोस्ट रिसेंट से चलेंगे, जो जो चीज़ें होती गई और जो अब हो रही हैं वो सब भी। तो आई एम रियली एक्साइटेड टू कम बैक एंड आई होप यू आर ऑल एक्साइटेड एज वेल। तो बस फिर एक साथ व्लॉग की जर्नी को शुरू करते हैं, और ये एक छोटा सा बस इन्फॉर्मेटिव सा व्लॉग था कि हम आगे क्या करने वाले हैं, पीछे क्या हुआ है और अब हम कब कब मिला करेंगे। उम्मीद है कि ये अब सिलसिला जारी रहेगा, और आपके कमेंट्स, रिव्यूज़ और हर चीज़ का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है क्योंकि वही मुझे हेल्प करते हैं आगे ग्रो करने के लिए, आगे कि कैसे चलाना है इसको, कैसे करना है, क्या चीज़ मुझे अच्छी लगती है, किस पे बनाना चाहिए, आपको क्या अच्छा लगता है, तो ये सारी डिटेल्स। और ठीक है, फिर आपसे अगले व्लॉग में बात होगी जब मैं उमरा का व्लॉग अपलोड करूँगी, और उसको मैंने सोचा है कि हम एक सीरीज़ में चलाएँगे, उमरा की जो प्रिपरेशंस थी, पाकिस्तान से उमरा करना अलग होता है, US से उमरा करना अलग होता है, दोनों के वीज़ा प्रोसेस अलग होते हैं, तो उसकी मैं थोड़ी सी डिटेल्स बताऊंगी, ऐप्स कौन सी डाउनलोड करनी है, कैसे करनी है, क्योंकि वो अभी भी करनी है, कोविड की रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो गई हैं लेकिन वो ऐप्स का जो है इतमरना ऐप है वो आपको अभी भी ऐप को डाउनलोड करना है और फिर अपना अपनी फैमिली का रजिस्टर कराना है, क्योंकि उमरा के टाइमिंग्स वो अभी भी दे रहे हैं जैसे पहले नहीं कभी होता था, आप दो दफ़ा उमरा करने जाना चाहें, तीन दफ़ा आप जा सकते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि उमरा के टाइमिंग्स होते हैं और आपको उसी वक्त जाना होगा। तो ये सारी डिटेल्स मैं आपको व्लॉग में बताऊंगी, तो पहला सीरीज़ का व्लॉग होगा जिसमें उमरा की प्रिपरेशंस और ये सारी डिटेल्स होंगी, देन शिकागो टू
जद्दा शिकागो टू मदीना वाला, क्योंकि हम लोग पहले मदीना गए थे और उसके बाद मदीना टू मक्का वाला। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको शेयर करने के लिए, क्योंकि मैं जाहिर है जब आप उम्रा पे जाते तो आप इबादत कर रहे होते हैं, आप इबादत की जगहों की इतनी नहीं वो बना सकते, लेकिन जो मैं जब सफ़र में होती थी या मैं जब जा रही होती थी या कोई रास्ते में कोई बात याद आती थी तो मैं उस वक्त थोड़ा बहुत वीडियो शूट कर लेती थी। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप सब लोग देखें, इन्जॉय करें और स्टे ट्यून्ड विद मी। Have a great day. Bye.